हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। और दोस्तों आज है फ्राइडे और बहुत सारी न्यूज वगैरह मैं फिर से लेके आ गया हूँ। वैसे दोस्तों आपको मैं रिमाइंड करवा दूं, परसों संडे है और हमारा हैशटैग FTQ&A का एपिसोड आने वाला है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा से ज्यादा पूछिए, टेक रिलेटेड हो, ऑटो रिलेटेड हो, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगा। और दोस्तों सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है गूगल से, और दोस्तों गूगल से कुछ र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं गूगल पिक्सल 6 प्रो की तरफ से और गूगल पिक्सल 6 की। और दोस्तों ये दोनों ही फोन काफी अच्छे होने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जो गूगल पिक्सल 6 प्रो होने वाला है वो 6.71 इंच की डिस्प्ले के साथ आने वाला है। और दोस्तों ये ओलेड डिस्प्ले होने वाली है जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों ये फोन जो होने वाला है इसके अंदर आपको ट्रिपल रियर सेंसर मिलने वाले हैं रियर साइड में, और कैमरा काफी अच्छे होने वाले हैं क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल के कैमरे आने वाले हैं। बाकी दोस्तों फ्रंट में इसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट होगा, और बाकी दोस्तों आने पर पता चलेगा जितने अच्छे कैमरे होंगे या नहीं होंगे। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों जो गूगल पिक्सल 6 होने वाला है उसमें शायद रियर साइड में दो डुअल कैमरे होने वाले हैं जो कि 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल होने वाले हैं, और फ्रंट में आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। और दोस्तों इसकी जो बैटरी होने वाली है वो होने वाली है 4614 mAh की बैटरी, तो ये भी ठीक ठाक कहूँगा। दोस्तों इसके अंदर आपको 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों फोन काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं सामने गूगल की तरफ से। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं इनके प्राइसेस अच्छे होते हैं, मतलब महंगे होते हैं ये, तो इस हिसाब से फोन तो अच्छे ही निकल के आएंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ पिक्सल फोन्स की, ये होती है कि इनमें आप 5 साल पुराना फोन भी लेते हो तो उसमें भी आपको अपडेट मिल जाता है लेटेस्ट, यानी कि इनके अंदर भी 5 साल के अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं जो भी आने वाले आगे 5 एंड्रॉयड होने वाले हैं। तो जो भी ये फोन लेंगे उनको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, एंड्रॉयड अच्छे से आते रहेंगे 5 साल तक। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है मोटरोला 1 5G UWB-S, ये काफी लंबा सा नाम हो गया वैसे दोस्तों। और दोस्तों ये फोन लॉन्च हुआ है अब्रॉड में, और दोस्तों इसका प्राइस वहां पर जो है, चलो प्राइस बाद में बताता हूँ, वैसे आपकी इसकी स्पेसिफिकेशन पहले बतानी चाहिए। इसके अंदर आपको 6.70 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि 1 HD+ तो होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, तो ये 5G तो फोन है ही है। और दोस्तों इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस आता है ये फोन। और इसके अंदर आपको फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, रियर साइड में 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, यानी कि क्वाड कोर कैमरा सेटअप होने वाला है। और दोस्तों अब मैं इसके प्राइस की बात करूं तो बाहर से जो भी प्राइस है उसका अगर इंडिया में कन्वर्ट करें तो ये आते हैं 22,400 रुपीज के करीब, तो प्राइस भी ठीक है दोस्तों। जब इंडिया में आएगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा और कम हो जाएगा, तो देखते हैं दोस्तों कब तक निकल के आता है मोटो का ये वाला, मोटोरोला का यानी कि ये वाला फोन वन वाला इंडिया में। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है एसूस की तरफ से, और दोस्तों एसूस ने है जो पार्टनरशिप कर ली है फ्लिपकार्ट के साथ, और दोस्तों ये पार्टनरशिप जो है 15th of July को उनके कुछ लॉन्चिंग्स हैं उसके लिए है, स्पेशल पार्टनरशिप है दोस्तों, मतलब उस दिन के लिए सिर्फ, मैक्सिमम उसी दिन तक के लिए। और दोस्तों उस दिन लॉन्च होने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट्स एसूस की तरफ से, और दोस्तों ऐसा एक्सपेक्टेड है कि एसूस के बहुत सारे क्रोमबुक्स, मतलब ये लैपटॉप्स हैं उनके बहुत सारे बाहर अवेलेबल हैं जो कि क्रोम ओएस के ऊपर चलते हैं इनके, इसलिए क्रोमबुक कहते हैं। और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे बाहर, तो हो सकता है इंडिया में एक दो लॉन्च कर दें 15th of July को, तो देखते हैं दोस्तों क्या निकल के आता है एसूस की तरफ से। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और दोस्तों सैमसंग जो है उसने आज अपने 3 फोन के प्राइस बढ़ा दिए, सभी फोन्स के अंदर 500 रुपये ऐड हुए हैं। सीधा बता देता हूँ दोस्तों, फोन है M02S, F02S और A12, ये तीनों फोन जो हैं इनके 500 रुपये प्राइस बढ़ गए हैं, तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसमें आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दोस्तों ये हो रहा है, सारी कंपनी लॉन्च कर रही है दोस्तों, सारी कंपनी जो है बढ़ा रही है। अभी कुछ दिन पहले Xiaomi ने भी अपने प्राइस बढ़ाए थे और इसमें भी बढ़ गए हैं, ऐसे धीरे धीरे करके कंपनी अपने प्राइस बढ़ा रही है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, और दोस्तों व्हाट्सएप जो है ये काफी अच्छा फीचर टेस्ट कर रहा है बीटा टेस्टर्स के, मतलब ये ऐसा फीचर मिला है बीटा टेस्टर को। और दोस्तों उन्होंने बताया है कि इमेज की क्वालिटी को भी अब हम सिलेक्ट कर पाएंगे, सेटिंग्स कर पाएंगे, जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वीडियो की क्वालिटी सिलेक्ट कर पाएंगे कि हाई क्वालिटी में सेट करनी है या लो क्वालिटी में सेट करके भेजनी है, इसी तरीके से इमेज की क्वालिटी को भी आप सेट कर पाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है क्योंकि हम जब व्हाट्सएप पे कोई बहुत क्लियर फोटो भेजते हैं
तो आपने देखा होगा कि जिस पर्सन को भेजते हैं उस पर्सन को थोड़ी ब्लर मिलती है या फिर थोड़ी उसकी क्वालिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। और दोस्तों अब ये अच्छी चीज़ हो जाएगी, हमारे हाथ में हो जाएगा कि हमें हाई क्वालिटी भेजनी है या लो क्वालिटी भेजनी है। जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने होते हैं दोस्तों तो हाई क्वालिटी पे चाहिए होते हैं, तो हाई क्वालिटी के लिए अच्छी हाई क्वालिटी की इमेज सेलेक्ट करके बंदा भेज सकता है बड़े आराम से। और दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है गूगल की तरफ से, और दोस्तों गूगल क्रोमबुक्स के लिए कुछ अपडेट्स भेज रहा है और कुछ इश्यूज हैं जो कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हैं। तो कुछ बग्स फिक्स होंगे, कुछ परफॉर्मेंस के जो है आपको ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो अगर आपके पास क्रोमबुक है तो आप अपडेट कर सकते हो, आपको अपडेट मिल जाएगा। और दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी और काफ़ी हैरानी वाली न्यूज़ भी है दोस्तों, क्योंकि क्वालकॉम ने अपना एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है, स्नैपड्रैगन इनसाइडर। और दोस्तों ये फ़ोन जो है सिलेक्टेड कंट्रीज के अंदर ही आने वाला है और दोस्तों इंडिया में भी आने वाला है। इसका प्राइस होने वाला है 1,11,990 रुपीज़, राउंड ऑफ करके सीधा 1,12,000 लगा लीजिए आप। और दोस्तों फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है, फोन जो है इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर मिल जाएगा, काफ़ी हाई एंड प्रोसेसर दोस्तों, लेटेस्ट वाला। वैसे लेटेस्ट अब नहीं, अभी एक फोन नीचे हो गया है क्योंकि इसका 888 प्लस लॉन्च हो चुका है, पर अभी तक तो यही है क्योंकि वो किसी फोन पे आया ही नहीं है। और दोस्तों इसके अंदर आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है फ्रंट में, और रियर साइड में आपको मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का कैमरा। तो दोस्तों कैमरा वाइज भी ये फोन काफ़ी अच्छा कहूँगा क्योंकि कैमरा सेटअप जो है काफ़ी ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, एंड्रॉयड 11 बेस्ड है दोस्तों, और इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों इस फोन के साथ आपको मिलती है 16 GB की रैम, ये एक इसका मैं कहूँगा हाईलाइट है, 16 GB की रैम है। और दोस्तों एक हाईलाइट और है, और वो ये है कि इसकी जो रोम है वो 512 GB की है। दोस्तों ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, सिर्फ इसमें एक ही वेरिएंट आता है और एक ही कलर आता है जो आप देख रहे हो। और दोस्तों इस कलर के साथ 512 GB की रैम मिलेगी आपको डायरेक्टली, ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको मतलब SD कार्ड वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम बढ़िया आपका काम चल जाएगा। और दोस्तों इसकी जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये आती है 120 हाई रिफ्रेश रेट के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मैं कहूँगा। बाकी दोस्तों इसके जो रैम है वो LPDDR5 है जो कि लेटेस्ट है, और दोस्तों इसी तरीके से स्टोरेज भी एकदम लेटेस्ट है। तो पता नहीं दोस्तों क्यों पर इन्होंने फ़ोन निकाल दिया अपना, और दोस्तों ये जो फ़ोन निकाला है इन्होंने अपनी पार्टनरशिप की है एसुस के साथ, तो उनकी पार्टनरशिप के साथ मिलके ये इन्होंने फ़ोन आज लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च आज हुआ है लेकिन ये सेल पे जाने वाला है अगस्त में, अब इसकी डेट नहीं निकल के आई है कि कभी ये लॉन्च मतलब सेल पे जाएगा, तो जैसी आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और दोस्तों ऐड ऑन कर दूं इसी न्यूज़ के अंदर, इस फोन के साथ आपको काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज भी मिलने वाली हैं दोस्तों। इस फोन के साथ आपको वायरलेस ईयरबड्स भी मिलने वाले हैं, वो भी Qualcomm की तरफ से अपने उनके। और दोस्तों चार्जर मिलने वाला है 65 वॉट का, वो भी Qualcomm की तरफ से। और दोस्तों आपको एक स्पेशल केबल मिलने वाली है C2C USB टाइप C2C, तो ये भी Qualcomm की तरफ से। और दोस्तों एक स्पेशल गार्ड भी मिलने वाला है फ़ोन का, वो भी Qualcomm की तरफ से। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पैकेज बना के दे रहा है Qualcomm। और दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ गई है MI की तरफ से, और दोस्तों MI जो है काम करना शुरू कर चुका है MI Pad 5 Pro के ऊपर, और इसकी स्पेसिफिकेशन में थोड़ी सी लीक हुई है, और दोस्तों ये आया है Qualcomm Snapdragon 870 के ऊपर, और दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। बाकी दोस्तों जो अभी 5 है मेरे ख्याल वो तो इंडिया में नहीं आया है, तो 5 Pro शायद चाइना में ही अभी लॉन्च होगा, तो देखते हैं दोस्तों कब तक ये इंडिया में लॉन्च होते हैं या नहीं होते हैं, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आई है Lenovo की तरफ से, और दोस्तों Lenovo ने आज इंडिया में अपने 2 लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए हैं, Duet 7i और Duet 3i। ये दोनों दोस्तों बहुत ही अच्छे लैपटॉप हैं क्योंकि ये डिटैचेबल स्क्रीन के साथ आते हैं, और दोस्तों इनके अंदर विंडोज 10 आपको मिल जाएगी सपोर्टिव, पैसे मतलब पहले से प्री इंस्टॉल्ड। और दोस्तों जो 7i है उसकी बैटरी बैकअप जो है वो 10.8 आवर्स है शायद, और दोस्तों जो 3i है उसका बैकअप जो थोड़ा सा कम है, उसका बैकअप है 7 आवर्स का। वैसे दोस्तों दोनों के दोनों टैबलेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बाकी आप देखिए और इनका जो प्राइस निकल के आया वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो 3i है उसका प्राइस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसका प्राइस निकल के आया है 29,990 रुपीज़, यानी कि 30,000 रुपीज़ का आपको पड़ेगा।
और दोस्तों जो 7i है उसका प्राइस निकल के आया है 79,990 रुपीज, यानी कि ये आपको 80,000 रुपीज का मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सेल पे जाने वाले हैं 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे, तो अगर आप लेना चाहो तो आप बुक कर सकते हो, वैसे बुक नहीं कर सकते, सीधा डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और दोस्तों सैमसंग M21, दोस्तों आपको ये फोन पता होगा, आपने सुना होगा, ये लास्ट ईयर आया था, नहीं दोस्तों शायद उससे लास्ट ईयर आया था, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, शायद लास्ट ईयर ही आया था। और दोस्तों ये 2021 में वापस आ रहा है, ये फोन दोबारा से लॉन्च करने वाली है कंपनी, और इसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं थोड़े से। दोस्तों ये 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, और इसके अंदर 6GB और 128GB का पहला मॉडल होने वाला है। और दोस्तों ये एंड्रॉयड 11 बेस्ड होगा, वन यूआई 3.1, पहले वाला जो था वो वन यूआई 2.0 के ऊपर आया था, अब ये 3.1 के ऊपर आने वाला है। बाकी फुल स्पेसिफिकेशन तो सामने नहीं निकल के आई है, तो जैसे ही आती है, जैसे पता चलता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है वन प्लस की तरफ से, और दोस्तों वन प्लस 6 और 6T, ये दोनों फोन के ऊपर एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ रहा है, अगर आपके पास है तो आप कर लीजिए दोस्तों, ये एक अच्छी न्यूज है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से, और दोस्तों इंस्टाग्राम जो है वो एक टेस्टिंग कर रहा है एक फीचर के ऊपर, और वो है लिमिट। दोस्तों ये आपके लिमिट कर देगा कि आपके मतलब पोस्ट के ऊपर कितने कितने लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो अब्यूजिंग कमेंट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो थोड़े गलत कमेंट्स होते हैं, उनको हटाने के लिए आपको मदद करेगा ये लिमिट, आपके लिए फीचर आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कब तक ये मार्केट में आता है, वैसे काफी अच्छा फीचर होगा दोस्तों, अगर आप पोस्ट के डालते हो, लोग बहुत गलत वगैरह लिखते रहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज रहेगी, आपके लिए क्या दोस्तों सभी के लिए अच्छी चीज रहेगी। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है हुआवे की तरफ से, दोस्तों हुआवे के बैंड 6 मैंने आपको बताया था ये लॉन्च हुआ है 4,490 रुपीज में, और दोस्तों ये सेल पे जाने वाला है 12 जुलाई को, और दोस्तों इसके ऊपर एक ऑफर आई है, बड़ी अच्छी ऑफर है दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलने वाला है अगर आप ये बैंड खरीदते हो 12 जुलाई, 13th या फिर 14th को, यानी कि इन 3 दिन अगर आप ये बैंड को खरीदते हो तो आपको मिलेगा हुआवे की तरफ से हुआवे का स्पीकर फ्री में। और दोस्तों स्पीकर की प्राइस जो है वो है 1,999 रुपीज, तो दोस्तों ये काफी अच्छी डील बन जाती है, अगर आप इस डील को ग्रैब करना चाहते हो तो आप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है BMW की तरफ से, जी हाँ दोस्तों और न्यूज शुरू हो चुकी है, और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है BMW की तरफ से, और दोस्तों BMW 5 सीरीज के, अभी आपको बताया था मैंने थोड़े दिन पहले कि लॉन्च हुई थी 5 सीरीज की नई फेसलिफ्टेड मॉडल, और दोस्तों अब इसकी नेक्स्ट जनरेशन की बातें शुरू हो चुकी है। वैसे दोस्तों कंपनी ने ये क्लियर कर दिया कि 2024 में आने वाला है, अभी नहीं आने वाला है, वैसे इसकी कुछ पिक्चर्स निकल के आई हैं, आप देख सकते हो दोस्तों ये कार की कुछ डिजाइन वगैरह चेंज वगैरह किए हैं, तो ऐसी होने वाली है नेक्स्ट जनरेशन वाली, बाकी हो सकते हैं दोस्तों बीच में काफी लंबा गैप है, कुछ ना कुछ चेंजेस और होते रहेंगे, तो देखते हैं दोस्तों BMW की तरफ से और क्या क्या निकल के आता है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फोर्ड की तरफ से, और दोस्तों फोर्ड एंडेवर ये बहुत अच्छी कार है दोस्तों, आपको पता होगा, सुनी होगी आपने या आपके पास होगी भी शायद। और दोस्तों इस कार के प्राइस बढ़ चुके हैं, इस कार का प्राइस अब हो चुका है 33,80,000 रुपीज स्टार्टिंग वाला वेरियंट का, और दोस्तों इसमें जो इंक्रीज हुआ है प्राइस वो है 3,81,000 रुपीज, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों अगली न्यूज निकल के आ रही है फरारी की तरफ से, और दोस्तों फरारी ने आज अपनी रोमा इंडिया में लॉन्च कर दिया, और इसका प्राइस जो निकल के आया दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, इसका प्राइस निकल के आया है 3.76 करोड़ रुपीज, और दोस्तों ये काफी जबरदस्त कार है, इसके अंदर आपको 3.9 लीटर का इंजन मिल जाता है, टर्बो ट्विन इंजन है, और दोस्तों इसके अंदर आपको जो पावर मिलती है वो पावर प्रोड्यूस होती है 620 हॉर्स पावर, और इसका जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है आपको 760 नैनोमीटर्स का। तो दोस्तों आज की न्यूज को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।